Ustaz savuttu. Geç. बाहर बहुत जोरदार धमाके हो रहे हैं। हम बाकी सब लोगों के साथ जो इस होटल में रह रहे हैं इस तहखाने में मौजूद हैं। ये गुज़िश्ता चंद हफ्तों से नागोर्नो कारबाख में जिंदगी के हकायक हैं। ये फजाई बमबारी की जद में है। ऐसा लगता है कि ये तोपों की बमबारी है, लेकिन यहाँ ड्रोन हमले भी हो रहे हैं। इन हमलों में मुतअद्दिद लोगों के घर तबाह हो गए। उनमें से एक 78 साला रीटा भी हैं, जिनके एक जमाने में आज़री पड़ोसी थे। हमारे यहाँ बहुत दोस्त थे अज़रबैजान से, लेकिन अब हम दुश्मन हैं, बड़े दुश्मन। इसलिए हम खास तौर पर मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, उनसे बात नहीं करना चाहती। वो कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। वो कब्जा करने के लिए सब कुछ करते हैं, लोगों में खौफ और हरास पैदा करने के लिए, ताकि लोग ये मुल्क छोड़कर चले जाएं। और आपको लगता है कि वो इसलिए ड्रोन और फजाई बमबारी इस्तेमाल कर रहे हैं? यकीनन। इस हफ्ते नागोर्नो कारबाख के लोग फजाई हमले की जद में रहे, और दोनों वो शेलिंग जैसा कि आपने इस इमारत पर देखी और जदीद फौजी ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया, जिसका मतलब ये है कि इस इलाके में किसी जगह को भी महफूज नहीं समझा जा सकता। यहाँ हर कोई किसी महफूज मकाम की तलाश में है। ये इस बात की याद दहानी है, एक ऐसे वक्त में जब वो यहाँ से भाग रहे हैं, कि क्यों ये इलाका लोगों के लिए खतरनाक है। दिन और रात ये हमले की जद में है।